दीपोत्सव महापर्व के बाद शहर भर में अन्नकूट महोत्सव का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के अलग मंदिरों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा अन्नकूट महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में ग्वालियर के ठाठीपुर स्थित द्वारकाधीश मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें ग्वालियर सांसद विवेक नारायण से जुड़कर ग्वालियरपुर से विधायक सतीश शेखर वार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और भगवान द्वारकाधीश के भक्तगण मौजूद रहे और अन्नकूट प्रसादी का आनंद भी लिया। जो द्वारकाधीश मंदिर की समिति है, प्रबंध समिति, और आदरणीय निवर्तमान अध्यक्ष जगदीश मित्तल जी हमारे वर्तमान अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, पारस जैन साहब और उनकी पूरी टीम ने, और आदरणीय खंडेलवाल साहब, के खंडेलवाल जी, सोनू मंगल साहब और अन्य पूरे सभी पदाधिकारियों ने हर वर्ष यहाँ पर आयोजन करते हैं। अन्नकूट का आयोजन होता है, बड़ी संख्या में हमारे जो भगवान द्वारकाधीश के भक्तजन हैं वो बड़ी संख्या में आप अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। आज भी अन्नकूट का आयोजन किया गया है और यहाँ सभी का पार्षदों को भी बुलाकर और सबका सम्मान भी समिति द्वारा किया गया, और मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ, समिति ने बहुत अच्छा काम कर रही है और जिस प्रकार का यहाँ भगवान का नाम है उससे अच्छा काम आने वाले समय में और समिति करेगी। समिति ने तय किया है कि यहाँ हाई मास्ट और पार्किंग की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था अच्छी, बाउंड्री वाल बाहर, और अच्छा सुंदर रमणीक स्थान जो बने, लोग आए और यहाँ धर्म प्रेमी तो उनको एक अच्छा वातावरण मिले, सुखद अनुभूति हो, ऐसा प्राण पूरा तैयार कर रहे हैं। आने वाले समय में भगवान द्वारकाधीश की जी के आशीर्वाद से हमारी समिति, और मैं इनके साथ सहयोगी के रूप में मैं भी इनके साथ रहूँगा, जो समिति आदेश करेगी मैं भी हमेशा, अगर जी समिति कहेगी झाड़ू लगाओ तो मैं मंदिर पर झाड़ू लगाऊंगा, पूरा काम मिलके करेंगे, जिससे आने वाले समय में जो भी धर्म प्रेमी श्रद्धालु यहाँ आए उनको यहाँ आकर सुखद अनुभूति प्राप्त हो, यही हम बस कामना करते हैं। आज ये हमारा 125 वर्ष पुराना द्वारकानाथ भगवान का ये प्राचीन मंदिर है। इस क्षेत्र का, ग्वालियर का एकमात्र मंदिर, प्राचीन मंदिर द्वारकानाथ भगवान का मंदिर है। यहाँ जो मूर्ति भगवान द्वारकानाथ की लगी हुई है ये बड़ी भव्य और सिद्ध मूर्ति है, क्योंकि एक मूर्ति यहाँ जो लगी है और एक हमारे मथुरा वृंदावन में जो मूर्ति लगी है ये बिल्कुल उसी का स्वरूप है। इस मंदिर की बहुत भव्यता है। आज इस मंदिर प्रांगण का अन्नकूट, जो वार्षिक अन्नकूट का आयोजन किया जाता है, आज वार्षिक अन्नकूट का आयोजन है यहाँ, और आज हमारे क्षेत्र के विधायक सतीश शिखरवार जी के द्वारा इस मंदिर प्रांगण में जो फर्श का निर्माण कराया गया है, बाउंड्री वाल का निर्माण कराया गया है, पूरी मंदिर कमेटी बड़े उनके इस कार्य से बहुत प्रसन्न है और बड़ी उत्साहित है। आगे भी उन्होंने यहाँ काम करने के लिए हमको
बोला है कि आप आगे भी जो ग्राउंड पड़ा है उसमें गार्डन डेवलप करिए, पार्किंग को डेवलप करिए, बाउंड्री वॉल बनाइए बढ़िया, इस मंदिर में यहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं उसको पूरा तन मन धन से सहयोग करूँगा। यहाँ तक बोल दिया कि अगर मुझे यहाँ झाड़ू आके झाड़ू भी लगाना पड़ेगी तो मैं स्वयं और वो अपने पार्षदों की टीम के साथ में आगे यहाँ झाड़ू भी लगाएंगे। इतने सरल हृदय का विधायक आज हमारे क्षेत्र को मिला है, मैं क्या हमारे पूरा मंदिर कमेटी और उसके अलावा क्षेत्र की हमारी जनता आज उनका इस काम के लिए बड़ा ऋणी है।